दुनिया तक पर टॉप फाइव में देखिए। इसराइल ने पेगासस स्पाईवेयर के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए मंत्रियों के एक ग्रुप का गठन किया है। पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के कई देशों में गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया गया। इस फैसले को लेकर एनएसओ के प्रवक्ता ने कहा कि हम इसराइल की सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी फैसले का स्वागत करते हैं और हम यकीन दिलाते हैं कि कंपनी की गतिविधियों में कोई गड़बड़ी नहीं है। साथ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है कि इस तरह की लिस्ट से हमारा कोई नाता नहीं है। बता दें कि कंपनी के क्लाइंट्स की जिन लोगों में दिलचस्पी थी उनसे जुड़े 50,000 नंबरों का एक डेटाबेस लीक हुआ था और उसमें 300 से ज़्यादा नंबर भारतीय लोगों के थे। अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति ने एक बार फिर ऐसी तस्वीर शेयर की है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग सकती है। अमरुल्ला सालेह ने बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान पर तंज कसा है। अमरुल्ला सालेह ने 1971 की भारत के हाथों पाकिस्तान को मिली हार और पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की तस्वीर शेयर कर पड़ोसी मुल्क पर कटाक्ष किया है। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने और बांग्लादेश के निर्माण में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अहम योगदान था। सऊदी अरब को अक्सर माना जाता है कि वहाँ महिलाओं को कम आज़ादी मिलती है, लेकिन अब सऊदी ने हज के दौरान मक्का जैसी पवित्र जगह पर महिला गार्ड की तैनाती कर दी है। मक्का में हर साल हजारों की तादाद में हज यात्री पहुंचते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सऊदी अरब के मक्का में किसी महिला गार्ड की तैनाती हज पर आए यात्रियों की सुरक्षा और देखभाल के लिए की गई है। मक्का में बतौर गार्ड तैनात होने वाली पहली महिला सुरक्षा गार्ड का नाम मोना है। चीन के सेंट्रल हेनान प्रांत में 1000 सालों में हुई अब तक की सबसे भारी बारिश को देखते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यहां सबवे और होटल के साथ साथ सार्वजनिक जगहों पर फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना बुलानी पड़ी है। बारिश और बाढ़ के चलते यहां कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है और 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। भारी बारिश की वजह से पैदा हालात से 1.26 करोड़ की आबादी वाली प्रांतीय राजधानी झेंगझोऊ में सार्वजनिक जगहों और सबवे टनल में पानी भर गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश का ऐसा कहर दुर्लभ ही देखने को मिलता है। दुनिया में अब तक लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से लगभग 41,00,000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17.49 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। फिलहाल 1.31 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। भारत में पिछले 17 महीनों में कोरोना से करीब 50,00,000 मौतें हो चुकी हैं और ये अनुमान एक अमेरिकी संस्था की स्टडी में सामने आया है। संस्था ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डेटा जुटाया है। उसके मुताबिक कोरोना से बने हालात भारत की आज़ादी और बंटवारे के बाद सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है। इस स्टडी में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया गया है, जो संक्रमण की नई लहर ला सकता है।